क्लास सेवन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश. दिस इज अ स्टोरी, अ जापानीज स्टोरी विच इज रीटोल्ड टू यू. द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज तारोज रिवॉर्ड. इन दिस स्टोरी द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक टू द थॉटफुल सन ओनली एंड टू एवरी वन एल्स इट गेव कोल्ड वाटर. In this story, the writer wants to prove the old proverb, God help those who help themselves. तो students, ये story एक wood cutter की है जो कि एक thoughtful son है, और एक waterfall है, magical waterfall, जो कि उस thoughtful son को सेक provide करती है और बाकी लोगों को cold water. सेक एक Japanese ड्रिंक है जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है. तो अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, येट ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. तो ये स्टोरी एक यंग वुड कटर की है जिसका नाम तारो है. वो अपने मदर और फादर के साथ हिल साइड पे रहता है. वो लकड़ियां काटता है फॉरेस्ट में और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बट फिर भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता. और क्योंकि वो एक थॉटफुल सन है, इसलिए वो बहुत सैड हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के जो ज़रूरतें हैं उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है. वन इवनिंग when तारो एंड his पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ their हर्ट, अ स्ट्रॉन्ग wind began टू ब्लो. इट whistled थ्रू द cracks ऑफ द hurt एंड everyone वन फेल्ट वेरी कोल्ड. सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वॉर्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. तो एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपने झोपड़ी के बाहर बैठे थे, तो एक बहुत ही स्ट्रांग विंड चलता है और सब लोगों को ठंड लगने लग जाती है. तो अचानक से जो तारो के फादर हैं वो बोलते हैं कि काश मुझे कप ऑफ सेक मिल पाता, जिससे कि मैं थोड़ा गर्म हो जाता और मेरा जो बूढ़ा दिल है वो भी अच्छा फील कर पाता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than ever. तो अपने फादर की बात सुनकर जो तारो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. वो सोचता है कि मैं जो सेक है वो अपने फादर को कैसे ला कर दूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है. तब वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, जिससे कि वो थोड़े और पैसे कमा सके और अपने फादर के लिए जो सेक है वो ला सके. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो दूसरी सुबह वो और भी जल्दी उठ जाता है और फॉरेस्ट की तरफ चल जाता है. वो लकड़ियाँ काटना शुरू करता है और बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है. जब सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देने लगता है, जब वो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे अपना जैकेट उतारना पड़ता है. उसका मुंह सूख जाता है और वो पसीने से पूरा भीग जाता है. बट ये सोचकर कि उसके फादर को सेक लाकर देना है, ये सोचकर वो और भी जल्दी जल्दी काटना शुरू कर देता है ताकि वो और पैसे अर्न कर सके. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The eggs dropped out of his hand and he ran in the directions of the sound.
तो अचानक से तारों को कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो नोटिस करता है कि ये पानी के बहने की आवाज तो नहीं है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में उसने कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। तो वो उस साउंड का पीछा करता है। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक नीइंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। तो जब वो तारो उस साउंड का पीछा करता है, तो पीछा करते करते वो एक रॉक के पास पहुंच जाता है, और वो जो रॉक है उसके पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल छुपा हुआ होता है। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर टेस्ट करता है। तो वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो सोचता है क्या ये पानी था या फिर ये सेक था। फिर वो कंफर्म करने के लिए 2-3 बार पानी को टेस्ट करता है। तब उसको ये पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि डिलीशियस सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। तो तारो जो है वो जल्दी से अपने पॉट में जो सेक है उसको फिल कर लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। जो ओल्ड मैन है वो जो सेक है वो पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और कुछ सिप लेने पे ही उस वो जो शिवरिंग हो रहा था उसको, जो ठंड लग रही थी, वो होना बंद हो जाता है और वो ओल्ड मैन खुशी के मारे डांस करने लगता है। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाई फॉर अ विजिट। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। थैंकिंग देम ऑफ द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। तो आफ्टरनून में एक उनकी पड़ोसी होती हैं जो उनके घर आती हैं। तो जो ओल्ड मैन है, जो तारों के फादर हैं, वो उनको सेक ऑफर करते हैं। जब वो सेक पीती हैं तो वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती हैं। एंड फिर जो तारो है वो मैजिकल वाटरफॉल की बात उनको बता देता है। तो जो उनकी नेबर रहती हैं वो वाटरफॉल की बात सुनकर जल्दी से उनको थैंक यू बोल करके वहाँ से चली जाती हैं। और शाम होते होते वो जो वाटरफॉल वाली न्यूज़ है वो पूरे विलेज में फैला देती हैं। तो दूसरे दिन जो उसी शाम सॉरी रात में जो विलेज के लोग हैं वो तारों के घर जाते हैं और एक एक सिप वो सेक का लेते हैं, और जो वाटरफॉल वाली न्यूज़ है वो भी उसके मुंह से सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरीड विद हिम द लार्जर पिचर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। दे वर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर? नथिंग बट वाटर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो दूसरी सुबह जब तारो जल्दी उठ जाता है, पहले वाले दिन से भी जल्दी उठ जाता है, और अपने साथ जो पहले पॉट पॉट लेकर गया था वो उससे ही बड़ा पॉट लेकर जाता है ताकि वो ज़्यादा सेक उसमें लेके आ पाए। जब वो वाटरफॉल के पास पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी नेबर्स थे वो सारे अपने बकेट्स जार्स पॉट्स लेकर वहाँ थे, और जो सेक है उसको अपने बकेट्स और जार्स में फिल कर रहे थे। तब एक विलेजर
जो पानी को, सॉरी लिक्विड को, जब उसने टेस्ट करा तो उसे पता चला कि वो तो सेक था ही नहीं, वो तो वाटर था। तब उसने गुस्से में चिल्ला कर बोला, ये सिर्फ पानी है। बाकी विलेजर्स ने भी टेस्ट कर किया और फिर उन्हें पता चला कि ये सेक नहीं था, सिर्फ पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। तो जो विलेजर्स हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि तारो कहाँ है, उसने हमें झूठ बोला। तब तारो जो है वो पत्थर के पीछे छुप जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही थी, तो जिसकी वजह से वो छुप गया पत्थर के पीछे। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वॉज द सेम फाइन सेक। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो जो विलेजर्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो एक एक करके उस जगह से चले जाते हैं। जब तारो जो जहाँ जहाँ वो छिप गया था वहां से जब वो बाहर आता है, तब वो देखता है कि लोग चले गए हैं। तब वो अपने हाथ में जो सेक है उसको लेकर टेस्ट करता है, तब उसे पता चलता है कि ये पानी नहीं है तो सेक है। इट मीन्स जो वाटरफॉल है वो तारों को डिलीशियस सेक प्रोवाइड करती है, बट बाकी लोगों को सिर्फ कोल्ड वाटर देती है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तारो और मैजिकल वाटरफॉल की जो तारो और मैजिक ये न्यूज़ जो है वो जापान के राजा तक पहुंच जाती है। फिर वो राजा उसको अपने कोर्ट में बुलाता है और तारो के काइंडनेस के लिए उसे वो इनाम भी देता है, 20 पीस ऑफ गोल्ड इनाम में देता है। फिर जो वाटरफॉल है वो सिटी का मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, तारों की वजह से। और इससे ये पता चलता है कि एम्परर ने जो थॉटफुल सन होने की वजह से तारों को इनाम दिया।